जी हाँ दोस्तों, मैं वही वीडियो लेकर के आ गया हूँ जिसका दोस्तों आपको बेसब्री से इंतजार था। तत्काल टिकट बुकिंग फास्ट एप्लीकेशन कौन सा है, क्योंकि दोस्तों जब भी आप लोग तत्काल टिकट बुकिंग करते हैं तब दोस्तों आपको सामने काफी सारे एप्लीकेशन दिखाई देते होंगे, जैसे कि दोस्तों IRCTC, रेल कनेक्ट ऐप, कन्फर्म टिकट, एक्जियो, मेक माई ट्रिप, पेटीएम, फोनपे, गूगल पे, ट्रेनमैन। दोस्तों आप सभी लोग कन्फ्यूज होते हैं कि आखिरकार मैं बुक करूँ तो किससे करूँ, किससे फास्ट बुकिंग होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ कि तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है, जिस भी एप्लीकेशन से हम तत्काल टिकट बुकिंग करें उसमें बिल्कुल फास्ट बुकिंग होना चाहिए। दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट है कि जिस भी हम एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग करें उसमें यहाँ पर पैसा बिल्कुल कम लगना चाहिए। हमको ज़्यादा पैसा नहीं है रेलवे को देने के लिए, इसलिए बिल्कुल कम पैसा में ही टिकट बुकिंग हो जाना चाहिए तत्काल वाला। और दोस्तों यहाँ पर हम तीसरा पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि बिल्कुल ईजी प्रोसेस होना चाहिए, बिल्कुल तामझाम नहीं होना चाहिए हमको टिकट बुकिंग करने के टाइम में, क्योंकि दोस्तों उस टाइम पर टाइम का बहुत महत्व होता है। अगर ज़्यादा तामझाम रहेगा तो दोस्तों आपसे बिल्कुल कन्फ्यूज हो जाते हैं, इसलिए बिल्कुल ईजी प्रोसेस चाहिए। तो दोस्तों इन्हीं तीन पॉइंट्स में जो जो लोग पास हो जाएगा उसको हम यहाँ पर शेयर बना देंगे और वही हम यूज करेंगे तत्काल टिकट बुकिंग करने। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट क्या था कि जो भी एप्लीकेशन हम लेंगे उसमें तत्काल टिकट हमारा बिल्कुल फास्ट बुकिंग होना चाहिए। तो दोस्तों इस बात को समझने के लिए आप अपना माइंड को थोड़ा सा चलाइएगा। यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर आपको थोड़ा कंसेप्ट बता देता हूँ। IRCTC रेल कनेक्ट ऐप जो यहाँ पर है, इसको हम लोग कहते हैं ऑफिशियल ऐप। अभी ये रेलवे का अपना ऑफिशियल ऐप है, तो इसमें जो तत्काल टिकट बुकिंग होने का टाइम है वो सुबह के 10 बजे AC क्लास के लिए स्टार्ट हो जाता है और सुबह के यहाँ पर 11 बजे non AC के लिए स्टार्ट हो जाता है। और इसके बाद जो भी ये सभी एप्लीकेशन देख रहे हैं, चाहे तो वह कन्फर्म टिकट ऐप, ट्रेनमैन, फोनपे, गूगल पे, पेटीएम या फिर मेक माई ट्रिप, एक्जियो वगैरह देख रहे हैं, इसमें बिल्कुल 15 मिनट के बाद तत्काल टिकट बुकिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा कि तत्काल टिकट तो 2-3 मिनट में ही खत्म हो जाता है, तो आप 15 मिनट बाद बुकिंग करिएगा या फिर जहां से टाइमिंग शुरुआत होता है 15 मिनट पहले वो एप्लीकेशन आप लीजिएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जो सबसे पहले बुकिंग होना स्टार्ट हो जाती है हम वो एप्लीकेशन लेंगे। तो सबसे पहले पास हो गया IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन, यानी कि यह बिल्कुल टाइमिंग पे बुकिंग करवाता है सुबह के 10 बजे और सुबह के 11 बजे, बल्कि ये सभी एप्लीकेशन बिल्कुल 15 मिनट बाद शुरू करवाता है। तो मेरा पहला पॉइंट हो गया पास, जिसमें रिजल्ट 100% किसका है, IRCTC रेल कनेक्ट। अब हम यहाँ पर दूसरा पॉइंट यूज करने वाले हैं, जो भी एप्लीकेशन हमें चाहिए उसमें सबसे पैसा कम होना चाहिए, मतलब कि पैसा सबसे कम लगना चाहिए। हमको ज्यादा पैसा तो है नहीं देने के लिए रेलवे के पास। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ कि अगर ये सभी एप्लीकेशन से आप बुकिंग करिएगा तो दोस्तों यहाँ पर आपको पैसा जो है कुछ ज्यादा लगने वाला है, जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एजेंट चार्जेस, ये वो सभी चार्जेस जोड़ करके IRCTC रेल कनेक्ट ऐप के कंपेरिजन में, ये सभी ऐप के में पैसा जब आप बुकिंग करिएगा तत्काल में, तब दोस्तों आपको पैसा ज़्यादा ही देखने को मिलेगा IRCTC के कंपेरिजन में। इसीलिए दोस्तों दूसरा रिजल्ट भी पास करता है IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन, क्योंकि दोस्तों इसमें आप जब भी टिकट बुकिंग करिएगा तो जो रेलवे का टिकट का प्राइस है वही लगने वाला है और सिंपल 11 रुपये एक्स्ट्रा कन्वीनियंस भी लगता है। इसके अलावा कोई भी आपसे चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लिया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सभी इसमें से एप्लीकेशन में टिकट बुकिंग करते हैं तब दोस्तों इन सभी में, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा फायदा क्या हो जाता है कि कभी कभी कूपन वगैरह एक्स्ट्रा ऑफर चलते रहते हैं, कूपन वगैरह भी मिल जाते हैं, या फिर दोस्तों अगर इन सभी एप्लीकेशन से बुकिंग करेगा तो आपका कैंसिलेशन चार्जेस बिल्कुल भी नहीं कटेगा, आपको पूरा पैसे रिफंड कर दीजिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कैंसिलेशन चार्जेस नहीं लिया जाता है। जब भी आप लोग बुकिंग करते हैं फ्री कैंसिलेशन वाला, तब दोस्तों उसमें पहले ही कुछ आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए जाते हैं, जब भी आप कैंसिल करेंगे तो उसमें थोड़ा सा पैसा आपको वहां पर नहीं कटते हैं, इसलिए आपको पैसा एक्स्ट्रा उसी टाइम पे करवा लेते हैं वो लोग, ताकि जब भी आप लोग कैंसिल करें तो आपका कम पैसा बचे। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आप श्योर नहीं है कि उस डेट को जाने के लिए, तब दोस्तों आप ये ऐप को यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैंसिलेशन करेगा तो फायदा हो जाएगा IRCTC ऐप को मुकाबले। तो दोस्तों यहाँ पर लेकिन दूसरा ऐप जो खरा उतरता है वो हुआ दोस्तों IRCTC रेल कनेक्ट एप्लीकेशन, इसमें सबसे पैसा कम होता है। अगर आपको गारंटेड उसी दिन टिकट बुकिंग करवाना है, कैंसिल नहीं करवाना है, तो मैं सजेशन करूंगा कि IRCTC रेल कनेक्ट ऐप से ही टिकट बुकिंग करें। अब दूसरा रिजल्ट भी पास किया IRCTC ऐप। अब हम दोस्तों यहाँ पर तीसरा पॉइंट को समझने वाले हैं कि जो सबसे ईजी एप्लीकेशन होगा बुकिंग के लिए उसी एप्लीकेशन को हम मायने देंगे, यानी कि तत्काल टिकट बुकिंग के लिए हमको ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा तामझाम हमको करना नहीं है, बिल्कुल ईजी प्रोसेस में बुकिंग होना चाहिए, थोड़ा सा कम स्टेप में भी तत्काल टिकट बुकिंग हो जाना चाहिए। तो दोस्तों इसमें सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है वो कहेंगे हम IRCTC रेल कनेक्ट ऐप, क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी काम का चीज़ है वही सिर्फ ऑप्शन दिखता है, आपको एक्स्ट्रा चीज़ बिल्कुल भी नहीं दिखता है, कूपन वगैरह ये सब ये सिलेक्ट करो, फिर कैंसिलेशन का बिल्कुल काम का ही प्रैक्टिकली चीज़ दिखेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सभी एप्लीकेशन से टिकट बुकिंग करेगा तो दोस्तों कूपन अप्लाई, ये अप्लाई, वो अप्लाई, डिस्काउंट वगैरह, मतलब कि तामझाम इसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिलते होंगे। अगर दोस्तों आप इंटरेस्टेड हैं तो इस सभी से भी बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं कहूँ कि बिल्कुल सिंपल कौन है,
तो IRCTC से रेल कनेक्ट ऐप ही बिल्कुल सिंपल तरीका है और बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। तो दोस्तों फाइनली ये दोनों के कंपेरिजन में जो सबसे तीनों रिजल्ट पास किया है वो दोस्तों पास किया है IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। तो दोस्तों आज के इस वीडियो से आप सभी लोग कंक्लूजन निकाल लीजिए कि हमें बुकिंग करना चाहिए तत्काल टिकट किससे, IRCTC से रेल कनेक्ट ऐप से। तो दोस्तों अगर आप भी तत्काल टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो बिल्कुल यूज कर सकते हैं IRCTC से रेल कनेक्ट ऐप। पर्सनली मैं भी अगर तत्काल टिकट मुझे खुद के लिए बुकिंग करना होता है तो मैं यूज करता हूँ IRCTC रेल कनेक्ट ऐप को ही। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया हूँ कि तत्काल टिकट बुकिंग के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करो। दोस्तों आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आप तत्काल टिकट किस एप्लीकेशन से बुकिंग करते हैं। दोस्तों प्लीज मुझे यह भी बताइए कि आपको सबसे अच्छा एप्लीकेशन कौन सा लगता है तत्काल टिकट बुकिंग के लिए। सो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं और इंटरेस्टिंग भरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और हाँ दोस्तों, रेलवे से और वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो के बाद एक सेक्शन में मेरा वीडियो जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप और भी वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे वहीं मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।